मूवी बहुत अच्छी है, लव स्टोरी है, मतलब जो रियल लाइफ में होता है वो बताया है, तो एक्टिंग वाइज बात की जाए तो आपको सबकी एक्टिंग अच्छी है, और कॉमेडी वाइज की जाए तो नाइस तो आप yeah. पाँच में से कितने स्टार देना चाहिए? हाउ मच? पाँच में से कितने स्टार देना चाहिए? फाइव थैंक यू कैसी मूवी? बहुत अच्छी हाँ, देट इज़ न्यू एक्टर, बहुत अच्छी थी इसकी एक्टिंग, बहुत अच्छी मूवी, इट्स वेरी गुड. इट्स अ रियलिटी, इट्स अ लव स्टोरी, सो इट्स अ रियल लाइफ. आई फील दिस हैपन इन द रियल लाइफ, दैट्स इट्स. आउट ऑफ फाइव इज अ फाइव. Yeah. Hi. How was the movie? Very good. Who's acting you like the most? All of them acted very well. The one thing you like about this movie? A different concept. If it comes to the song, you know, which song you like? Not about the songs, but the movie in itself. Last thing you told me is that you like? Costa. Thank you. Badhiya thi. Utkrish. Badhiya achi movie thi. हाँ अच्छी मूवी थी, काफ़ी अच्छा लगा, ट्रीटमेंट अच्छा था. और अभिषेक की तो सोसो थी, बाकी विकी की और तापसी की तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तापसी के साथ अच्छी लगी, तापसी की अभिषेक या विकी? विकी के साथ. स्टोरी लाइन कैसी थी? मतलब अगर आप देखो इनिशियली स्टोरी के अंदर जो सेकंड हाफ थोड़ा वीक लगा क्योंकि कन्फ्यूजन थी जिसके अंदर, मतलब मेन मूवी थी जो कि ख़त्म हो गई एंड में. नहीं तीन साढ़े तीन अनुराग कश्यप भी हमेशा कुछ अलग बनाने का प्रयास करते हैं और इस बार भी उन्होंने एक अच्छा रोमांटिक स्टोरी लेके आए हैं, लेकिन इस बार कहीं कहीं उन्होंने स्टोरी को ढीला कर दिया जिससे पब्लिक को थोड़ा बोर होती है. बाकी बहुत अच्छा है, अभिषेक बच्चन का अभिनय और तापसी पन्नू जी का डांस बहुत अच्छा लगा. हमेशा पूरी पिक्चर भागते रहती हैं, लास्ट में दोनों एक हो जाते हैं. अभिषेक या विक्की दोनों में से किसकी केमिस्ट्री अच्छी लगी तापसी के साथ? दोनों को अच्छे हैं, किसी का कोई कमजोर नहीं, हर आदमी अपना अपना जगह अच्छा काम किया है. स्टोरी अच्छी है लेकिन कहीं कहीं बताया आपको कि अनुराग जी ढीला कर दिए स्टोरी को. गाने बेटर हैं ऑल. थ्री स्टार. आई लव्ड इट, आई हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग द मूवी. I think essentially the primary cast, which is Vicky, Tapsee and Abhishek, everybody has done a great job. मैं कोई एक निकाल के नहीं बोल सकता हूँ कि इसने ख़राब किया है, इसने बेटर किया. सब अपने किरदार में बहुत ही अच्छे थे. And the good part is that they were doing it with conviction, very compassionate as actors. सब ने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है और उतनी ही फिल्म अच्छी कास्ट भी हुई है. बाकी के अगर आप किरदार देखेंगे तो बहुत अच्छा काम किया है सब ने. सी इस तरह की स्टोरी स्क्रीन प्ले जब आप देखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटित हुआ है, ये फिक्शनल तो नहीं है. इसमें बहुत कुछ नो रियलिटी छुपी हुई है. जो कनिका ढिल्लों जो इसकी राइटर हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिस वजह से ये यूजुअल लव स्टोरी से थोड़ी अलग निकल के आती है. मुझे लगता है ऐसी फिल्में लोगों को देखकर थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए और प्यार देना चाहिए. आई गेस द फैक्ट दैट द यूजुअल रोमांटिक लव स्टोरीज एक सर्टन तरीका होता है ना कि अच्छा मिले, प्यार हुआ, बिछड़े, फिर एक वो टिपिकल मॉन्टाज होता है, वो सब चीज़ों से अलग है. द फर्स्ट हाफ इज़ लाइक यू नो इट्स वेरी एनर्जेटिक, इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड देन इट सेटल्स डाउन इन द सेकेंड हाफ. वो किरदारों को सेटल डाउन होने का, एस्टैब्लिश होने का समय देता है, उनके कॉन्फ्लिक्ट समझने का समय देता है, तो वो बहुत अच्छा था. 3.5 4 वर्क्स फॉर मी. या सर अच्छी थी. अनुराग कश्यप का डायरेक्शन था सो ऑब्वियसली लाइक यू एक्सपेक्ट मोर. एज फार एज द सार्कास्ट वॉज कंसर्न वेरी गुड. Anand Rai, who is the producer of this movie, because of him Abhishek Bachchan came into this movie, and you know, as Abhishek Bachchan is a good actor but has not been doing very well in the last few years, so this was a very good movie for him to actually again show the point that, you know, he is a good actor.
But still, I feel that Abhishek Bachchan was not able to deliver his best. He was again a little into himself, जो थोड़ा उनका रहता है. बाकी overall the experience was good. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक या विक्की इन सबसे ज़्यादा जो एक्चुअली स्टोरी का पूरा थीम था जो आजकल की हमारी जनरेशन है द काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स वी गो थ्रू सो मेनी ऑप्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स सो आई थिंक दैट वाज द पिक ऑफ द मूवी कनिका ढिल्लन वाज द राइटर ऑफ दिस मूवी सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज बहुत रियलिस्टिकली दिखाया गया है कि जो आज की डेट में होता है और भी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अमित त्रिवेदी को क्योंकि मूवी थोड़ी सी स्लो है बट पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है उसकी वजह से ना यू विल फील वेरी कनेक्टेड विद द मूवी सो अमित त्रिवेदी गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट दैट्स व्हाट आई फील सर अच्छा था आई मीन आई रेड हिज लाइक इंटरव्यू लाइक व्हेन ही वाज लाइक गेटिंग ओवर दिस सीक्रेट गेम्स जो कि नेटफ्लिक्स पे आया उस समय पे ये मूवी डायरेक्ट होना शुरू हुई थी मार्च 2018 एंड ये 5 महीने में पिक्चर बनाई गई है सो जो इसके प्रोड्यूसर है विक्रम आदित्य मोटवानी और लाइक अनुराग कश्यप भी प्रोड्यूस किए हैं आनंद राय सो एवरी वन ऑफ देम आर वेरी लाइक उसी टाइप का कोई डायरेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि आनंद राय इसके प्रोड्यूसर थे तो थोड़ा ह्यूमर वैसा ही था जैसे तनु वर्ड्स मेनू में आप देखेंगे सटल ह्यूमर तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बट आई फील थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी दैट्स व्हाट आई फेल्ट म्यूजिक जैसा मैंने बोला स्टैंड आउट फीचर मूवी का म्यूजिक ही है अमित त्रिवेदी को बहुत सारा क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द म्यूजिक इवन जो कई सारे सीन्स हैं जो कि बहुत ही नल एंड वॉइड हो सकते थे उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है उसकी वजह से ना यू विल फील वेरी मच कनेक्टेड विद द मूवी सो आई थिंक दैट वॉज द स्टैंड आउट फीचर ऑफ द मूवी एंड आई फील तापसी आई मीन इसी साल में मतलब ये कौन सी उनकी मूवी है मैं शायद 5वीं या 6वीं में देख रहा हूँ बैक टू बैक इतना अच्छा परफॉर्म करना आई थिंक ब्रिलियंट मैम आई गेस 3 out of 5 बहुत अच्छी मूवी है लाइक अभिषेक का कमबैक है अभिषेक का बहुत अच्छा वर्क है जैसे उन्होंने कमबैक किया है और विकी कौशल आपको 5 मिनट लगेगा ही नहीं कि विकी कौशल है बिकॉज वो लाइक कभी दूसरी राजी में कुछ और होता है उसमें कुछ और होता है इसमें सडनली इतना खतरनाक चेंज आपको पहचान में ही नहीं आएंगे देन उसके बाद में तापसी ने सूरमा के बाद बहुत अच्छा काम किया है बिकॉज सूरमा में उनको इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया और इसमें लाइक बहुत उन्होंने जो एक्ट किया है ना इट्स रियली सुपर्ब शुरू में आपको बाद में ऐसा लगेगा कहीं बीच में जैसे कौन सी वो मूवी थी अजय देवगन की और ये ऐश्वर्या राय की और सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम काइंड ऑफ वैसी ही है कि वो पहले बॉयफ्रेंड से प्यार होता है उसको भूल नहीं पा रही होती है फिर वापस लास्ट में पति के पास चली जाती है बट इट्स बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है अच्छे तरीके से दिखाया है मतलब सीखने के बाद इसमें उन्होंने ये दिखाई है कि कुछ लड़के होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते रिलेशनशिप की कुछ होते हैं जो लेते हैं तो शादी के लिए वो चूज़ करो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं इस मूवी में या रियलिटी ये होती है कि इसमें सच में प्यार का कन्फ्यूजन जो दिखाया गया ना लोगों के बीच में लड़की प्यार बॉयफ्रेंड से करती है ठीक है लेकिन उसकी शादी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान से होती है जो ढंग से उसका ध्यान रखता है तो लड़की यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगी बिकॉज जहाँ वो रिलेशनशिप में थी प्यार करती थी और एक जहाँ रिस्पॉन्सिबल इंसान तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही वो लास्ट में चूज़ करेगी बिकॉज प्यार तो लाइक मूव ऑन हो जाएगा कभी ना कभी 50 साल तो आपको एक इंसान के साथ रहना है ना तो आप बेटर रिस्पॉन्सिबल इंसान के साथ रहना पसंद करोगे तो दैट इज़ मतलब रियलिटी और दोनों लड़के उससे प्यार करते थे तो गानों के लिए गाने सुपर्ब अच्छे गाने हैं और लाइक मेहंदी का थोड़ा अलग है ब्रेकअप का थोड़ा अलग है तो वैराइटीज़ है गानों में रोमांटिक भी है थोड़े से डीजे था वो उसमें अजीब सा क्लासिक था तो उसके अलग गाने हैं तो इट्स अ नाइस वन 5 May से 4 थैंक यू मूवी बहुत अच्छी थी आई रियली लाइक द पर्सनली आई रियली लाइक द मूवी डायरेक्शन एक्टिंग एवरीथिंग अबाउट द मूवी विकी या विकी कौशल तो लाइक हैट्स ऑफ ही इज रियली रियली अमेजिंग एंड एवरी टाइम ही प्रूव्स दैट अभिषेक बच्चन लाइक ही केम बैक आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड ही वाज आल्सो गुड तापसी पन्नू वेरी नेचुरल एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी पूरी मूवी डायरेक्शन वाज अमेजिंग बिकॉज एक तो अनुराग कश्यप से यू कांट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था लास्ट में याद आया दिस इज अनुराग कश्यप की मूवी तो दैट वाज रियली अमेजिंग टू सी अरे अनुराग कश्यप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी यार अभिषेक बच्चन तापसी एंड अभिषेक बच्चन एंड सॉरी तापसी पन्नू एंड विकी कौशल और बड़ा रियलिस्टिक था लाइक जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है एंड एक जो रियल लाइफ में सिचुएशन होती है उस टाइप से आई रियली लाइक दैट एंड
म्यूजिक वॉज वेरी अमेजिंग यार, लाइक बहुत सूदिंग, बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग टू द सिचुएशन, टू द मूवी, द डायलॉग्स और एवरीथिंग. कमबैक एज इन लाइक एज बहुत अमेजिंग कमबैक आई वोंट से, बट क्या ही वॉज वेरी गुड. ही वॉज गुड एज बहुत देर के बाद देखा एंड ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन. आई थिंक दैट वॉज गुड. आई थिंक दैट वॉज अमेजिंग. मूवी को ओवरऑल 4+. या